वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। तो मूवी का स्टार्ट एक क्राइम सीन से होता है, जहां एक घर में पुलिस कुछ डेड बॉडीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उस घर के बेसमेंट से एक यंग लड़की की डेड बॉडी जमीन में दफन मिलती है। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि वहां पर जितनी भी डेड बॉडीज पुलिस को मिली थी, उन सबकी बॉडीज पर गहरे चोटों के निशान थे और सबके सब इस घर से बिलोंग करते थे। लेकिन पुलिस को जो यंग लड़की की डेड बॉडी मिली थी, उसकी बॉडी पर तो एक भी चोट का निशान नहीं था। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वो उस घर से बिलोंग भी नहीं करती थी। अब पुलिस को ना तो उस लड़की का नाम पता था और ना ही उसके बारे में और कोई जानकारी थी, तो इसीलिए पुलिस उस लड़की का नाम जेंडो रख देती है। और जेंडो के बारे में मजीद जानने के लिए पुलिस उसकी डेड बॉडी को ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद हमें एक लड़का ऑस्टिन और उसके फादर दिखाए जाते हैं, जो कि दोनों एक जली हुई डेड बॉडी की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम कर रहे थे। असल में ये काम इन दोनों बाप बेटे का प्रोफेशन था। उनकी फैमिली में पिछले काफी अरसे से सब लोग यही काम कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट को ही ऑटोप्सी रूम या फिर मॉर्ग बनाया हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद ऑस्टिन की फ्रेंड उसे मिलने आती है और ये दोनों उस टाइम मूवी देखने जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले ऑस्टिन की फ्रेंड एक डेड बॉडी को देखने की जिद करती है। तब ऑस्टिन के फादर कहते हैं कि मॉर्ग की कोई भी डेड बॉडी को तुम चूज कर लो। अब ऑस्टिन की फ्रेंड जिस डेड बॉडी को देखती है, हम देखते हैं कि उस डेड बॉडी के पांव में एक छोटी सी बेल बांधी गई है। तब ये देखकर ऑस्टिन की फ्रेंड उनसे इस बेल के बारे में पूछती है, जिस पर ऑस्टिन के फादर उसे बताते हैं कि पहले के लोग तो ये समझ ही नहीं पाते थे कि लोग मर गए हैं या फिर वो कोमा में हैं, तो इसीलिए वो लोग डाउटफुल इंसान के पांव में ये वाली बेल बांध दिया करते थे, जिससे होगा ये कि अगर वो इंसान थोड़ा सा भी मूव करेगा तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। अब इस चीज को ऑस्टिन के फादर आज तक फॉलो करते आ रहे थे। अब ऑस्टिन और उसकी फ्रेंड जैसे ही वहां से जाने वाले होते हैं, तो तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जेंडो की डेड बॉडी लेकर। पुलिस ऑस्टिन के फादर को कहती है कि उन्हें इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट कल सुबह तक किसी भी तरह करके अर्जेंट चाहिए। तब ये सुनकर ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को कहता है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अपने फादर की हेल्प करनी है, तो हम रात के किसी शो में चले जाएंगे मूवी देखने। अब ये बात समझाकर ऑस्टिन अपनी फ्रेंड को वहां से भेज देता है। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे फिर से ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए रेडी होने लगते हैं, और अब वो जेंडो की ही ऑटोप्सी करने वाले थे। अब दोनों बाप बेटे उसकी ऑटोप्सी करते हुए काफी हैरान नजर आ रहे थे, क्योंकि जेंडो की हाथों की कलाई की और पांव के टखनों की हड्डियां टूटी हुई थी, साथ साथ उसका एक मॉलर टूथ भी गायब था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी डेड बॉडी की हालत बिल्कुल ताजा थी, यानी उसकी बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। अब मजीद जानने के लिए वो जेंडो की डेड बॉडी की चीर फाड़ करते हैं। वो देखते हैं कि जेंडो के इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे कि लंग्स बहुत ही बुरी तरीके से जले हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे इंटरनल पार्ट्स भी थे जिन पर कट्स भी लगे हुए थे और उन पर जलने के भी निशान थे। इंटरनल पार्ट्स का ये हाल था, लेकिन बाहर से उसकी डेड बॉडी बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इतने खराब कैसे हो सकते हैं। अब उसकी डेड बॉडी को तो देखकर ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसकी डेथ रिसेंट किसी टाइम में हुई, लेकिन ऑस्टिन के फादर देखते हैं कि उसकी आईज तो धुंधली हो चुकी थी, यानी जेंडो की मौत तो बहुत टाइम पहले ही हो चुकी है। मजीद एग्जामिन करते हुए ऑस्टिन के फादर को जेंडो के पेट के अंदर से एक ऐसा प्लांट भी मिलता है जिससे किसी की भी डेड बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह। इसी दौरान ऑस्टिन के फादर को हॉल में से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, और जब ऑस्टिन के फादर उस आवाज को फॉलो करते हुए हॉल में जाते हैं, तो उन्हें अपनी बिल्ली वहां पर मरी हुई मिलती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्ली उनके पास उनकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। ऑस्टिन बार बार अपने फादर को एक ही बात कह रहा था कि आज हम इसके ऑटोप्सी को यहीं पर रोक देते हैं और कल कर लेंगे, लेकिन ऑस्टिन के फादर उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो जेंडो की ऑटोप्सी दोबारा से करने लगते हैं। आगे ऑटोप्सी करते हुए उन लोगों को जेंडो के स्टमक में से उसका मिसिंग मॉलर टूथ मिल जाता है, जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था। तब ये देखकर दोनों बाप बेटा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि किसी के भी दांत को निकाल कर एक कपड़े में बांध कर उसी को खिलाने का क्या मतलब हो सकता है। फिर ऑस्टिन के फादर जेंडो की स्किन को काट कर अलग कर देते हैं, तो वो देखते हैं कि जेंडो की स्किन के अंदर अजीब से काले रंग का एक सिंबल भी बना हुआ था और साथ साथ कुछ लिखा भी हुआ था, और सेम ऐसा ही सिंबल और राइटिंग उस कपड़े पर भी बना हुआ था जिस कपड़े में जेंडो का मॉलर टूथ लिपटा हुआ मिला था। अब इसी दौरान वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और जब ऑस्टिन के फादर लाइट जलाते हैं, तो वो देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी के अलावा बाकी सारी डेड बॉडीज वहाँ से मिसिंग है। लेकिन तभी कोई एंटिटी ऑस्टिन के फादर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टिन के फादर काफी इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसीलिए वो दोनों बाप बेटा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन तभी वो देखते हैं कि ना तो लिफ्ट चल रही थी, मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा था, और उनके बेसमेंट का दूसरा डोर भी जाम हो गया था, क्योंकि बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था जिसकी वजह से एक ट्री उस डोर पर गिर गया था। अब ये देखकर वो दोनों बाप बेटे समझ जाते हैं कि ये सारी डिफिकल्टीज तभी से आ
आ रही हैं जब से जेंडो की डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया है, तो इसका मतलब साफ था कि जो भी गड़बड़ थी वो जेंडो की डेड बॉडी में थी। अभी दोबारा ऑटोप्सी रूम में जाकर जेंडो की डेड बॉडी को आग लगा देते हैं ताकि ये जो सारे प्रॉब्लम्स बन रही हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है और वो ये कि जेंडो की डेड बॉडी से आग निकलकर उस पूरे रूम में फैल जाती है जिससे वो पूरा रूम जलने लगता है। तब ऑस्टिन फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देता है। लेकिन आग बुझाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी, यानी आग की वजह से उसकी बॉडी पर कोई भी जलने का निशान नहीं था। तब ये देखकर वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। अब इसी दौरान लिफ्ट के जलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए दोनों बाप बेटा जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लेकिन अब लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह से अटक चुका था और वो बंद नहीं हो रहा था। लेकिन तभी उन्हें वो छोटी सी बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, वही वाली घंटी जो डेड बॉडीज के पांव में बांधी गई थी। अब इस घंटी की आवाज सुनकर ऑस्टिन के फादर काफी डर जाते हैं और इस बेल की आवाज को फॉलो करते हुए ऑस्टिन के फादर एक एक्स को लिफ्ट के बाहर उस आवाज की तरफ फेंकते हैं जिससे अब बेल की आवाज आना बंद हो गई थी। और जब ऑस्टिन चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को वहां पर पाता है। असल में बेल की आवाज सुनकर ऑस्टिन के फादर ने जो एक्स लिफ्ट की तरफ मारी थी वो एक्स असल में ऑस्टिन की फ्रेंड को लग गई थी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्योंकि जैसा कि ऑस्टिन ने उसे कहा था कि हम नाइट के किसी शो में चलेंगे, तो इसीलिए वो ऑस्टिन को लेने आई थी दोबारा। ऑस्टिन अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाता है और बहुत रोता है, लेकिन ऑस्टिन के फादर किसी तरह उसे संभालते हैं। इसके बाद वो दोबारा से ऑटोप्सी रूम में चले जाते हैं ताकि ये जेंडो के बारे में और ज्यादा जान सके। इसके बाद ऑस्टिन के फादर जेंडो के ब्रेन सेल्स को चेक करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि जेंडो की ब्रेन सेल्स अभी तक एक्टिव हैं। अब हालांकि किसी भी इंसान के मरने के बाद उसके ब्रेन सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो साफ था कि जेंडो का ब्रेन अभी तक जिंदा था। इसके बाद ऑस्टिन के फादर जेंडो के स्टमक से निकले हुए उस कपड़े को एग्जामिन करते हैं जिसमें से जेंडो की मिसिंग मोलर टूथ मिली थी। अब उस कपड़े पर रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तब चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस पर 20x27 1693 और 17th सेंचुरी के बारे में लिखा हुआ था। तब ऑस्टिन के फादर 20x27 के रेफरेंस से ये पता लगवाते हैं कि 17th सेंचुरी में लड़कियों को ब्लेम किया जाता था कि वो विच हैं, जिसकी वजह से उन्हें अजीब तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इस प्रोसेस में जितनी भी लड़कियां मारी गई थी उनमें से कोई भी विच नहीं थी बल्कि वो सारी मासूम और बेकसूर थी। तब ये देखकर ऑस्टिन के फादर समझ जाते हैं कि जेंडो की मौत रिसेंटली नहीं हुई बल्कि 17th सेंचुरी में हुई थी और तभी से अब तक उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव हैं और इसी वजह से उसकी डेड बॉडी अभी तक ऐसी है, यानी ताजा हालत में है। इसके अलावा ऑस्टिन के फादर का ये भी मानना था कि जो कुछ भी जेंडो के साथ हुआ वो हमारे साथ भी करना चाहती है, वो हमें भी इस दर्द का एहसास करवाना चाहती है और हमने जो उसकी ऑटोप्सी की यानी उसकी चीर फाड़ की वो इस पेन को भी महसूस कर पा रही है और यही वजह है कि जेंडो अब उनसे अपना बदला ले रही है। अब ये सारी बात समझ जाने के बाद ऑस्टिन के फादर जेंडो की डेड बॉडी के पास जाकर कहते हैं कि प्लीज तुम हमें माफ कर दो और तुम अपना बदला मुझसे ले लो, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। अब ऐसा कहते ही ऑस्टिन के फादर की कलाई और उनके टखनों की हड्डियाँ टूटने लगती हैं और तो और उनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी जलने लगते हैं सेम वैसे ही जैसे जेंडो के थे। अब क्योंकि ऑस्टिन के फादर से ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसीलिए वो ऑस्टिन को कहते हैं कि प्लीज बेटा मुझे मार डालो। अब ऑस्टिन रोते हुए और अपने फादर को इस तकलीफ में ना देखते हुए एक नाइफ से उन्हें स्टैब करके मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन के फादर जैसे ही मरते हैं तो जेंडो की डेड बॉडी अपने आप से ही पूरी की पूरी हील हो जाती है। इसके बाद ऑस्टिन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो आ जाता है एटिक में। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो टर्न करके देखता है तो उसे उसके फादर की डेड बॉडी वहाँ पर खड़ी हुई दिखती है। अब ये देखकर ऑस्टिन काफी घबरा जाता है और डरते हुए नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी भी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पर आती है जेंडो की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उल्टा पुलिस को वहाँ पर 3 और डेड बॉडीज देखने को मिलती है, ऑस्टिन की, उसके फादर और उसकी फ्रेंड की। लेकिन जेंडो की डेड बॉडी वैसी की वैसी ही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी ऑटोप्सी अभी स्टार्ट भी नहीं की। अब ये देखकर पुलिस काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सेम ऐसा ही सीन हमें मूवी के स्टार्ट में भी देखने को मिला था जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज थी जो कि सारी इंजर्ड थी लेकिन जेंडो की डेड बॉडी एकदम ठीक थी। पुलिस फिर से जेंडो की डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए कहीं और भेजती है और एम्बुलेंस में ले जाते हुए हम जेंडो के पैर की उंगली को हिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।